खरगोन नगर पालिका द्वारा स्वच्छता अभियान को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत इन सब से अलग है। कस्बे के नाले नालियों की नियमित सफाई न होने से इनमें गंदगी जमा है, इस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के काजीपुरा क्षेत्र के लोगों ने बताया कि वार्ड घनी बस्ती वाला है, यहाँ पर बसे नाले में 12 महीने पानी जमा रहता है। कभी कभार नगर पालिका अमला सफाई के लिए आता है, गंदगी की वजह से आमजन को गंभीर बीमारी डेंगू मलेरिया का खतरा भी सता रहा है, बदबू से रहना मुश्किल हो गया है। नगर पालिका स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि बारिश पूर्व सभी नाले की सफाई की जा रही है, सभी नालों को चिन्हित किया जा रहा है, जल्द गाजीपुर में सफाई कराएंगे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। नाले के बारिश आने वाली है, ये नाला साफ होता नहीं है, बारिश में नाला फुल हो जाता है और गंदगी सब घरों में भराती है। मतलब बारिश से पहले साफ सफाई हुई कि नहीं अभी? हाँ नहीं, साफ सफाई हो जाए तो और बेहतर रहे, तो ये गंदगी क्या है पूरे रोडों पर पानी आ जाता है तो घरों में भराता है, आने जाने वाले जब नमाजियों को बस्ता गिरों को बहुत तकलीफ होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शेख हिफाजत। प्रतिवर्ष अनुसार मानसून को आने के पहले नगर पालिका द्वारा पूरी तैयारी कर ली जाती है। निकाय ने ऐसे नाले चिन्हित कर रखे हैं जो ना बारिश आने के पहले सफाई की जाती है। बारिश आने के पहले जैसे तालाब चौक है, झंडा चौक है, सनावादर आरटीओ ऑफिस के पास है, खंडवा रोड है या विष्णुपुरी, इन एरियो में पानी भराता है तो इसको सबसे पहले इसको ध्यान रख के इसकी सफाई कर ली गई है, पूरी गाद निकाल ली गई है और ऐसी कोई व्यवस्था वो हमने इसके लिए विशेष टीम भी गठित की है जो बारिश आने पर निरंतर इसका भ्रमण करेगी। सर ये एक नाला है काजीपुरा में, ये कभी साफ नहीं होता है क्या? हमेशा गंदगी रहती है। काजीपुरा में नाला है उसको सफाई होती है, लेकिन वहाँ क्या है कि छोटी छोटी गलियाँ है और वहाँ कचरा डालने के लिए लोगों के पास सीमित स्थान है, इसलिए कुछ लोग कचरा उसी में डाल देते नाले में। हमने कई बार पाबंदी भी लगाई पर लोग नहीं मानते हैं, लेकिन उसकी सफाई तो होती है, ऐसा नहीं है। सफाई अभी ना बारिश के पूरे उसकी पूरी सफाई कर दी गई है। सर उसको पैक कर सकते हैं कि नहीं? सिले वगैरह फोन कर दिया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।